हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिक्रेले। आज शाम इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, तो हम बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन्हें आप अपनी ड्रीम 11 की टीम में ले सकते हैं। सबसे पहले हम चुनेंगे बेस्ट प्लेयर्स को, जैसे शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल। शिखर धवन लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। केएल राहुल भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और विराट कोहली का श्रीलंका के खिलाफ पिछले 4 मैचों में 450 का रिकॉर्ड रहा है, तो वो श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। ऑलराउंडर में मैं चुनूंगा इसुरु उदाना और रविंद्र जडेजा को। इसुरु उदाना को RCB ने IPL के लिए खरीदा है, तो वो खुद को साबित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो जडेजा हमें अपनी बॉलिंग, चौके, छक्के और रनआउट से अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं। अब आते हैं बॉलर्स की तरफ। बॉलर में मैं बुमराह को जरूर चुनूंगा, क्योंकि वो एक लंबे समय बाद कमबैक कर रहे हैं और दुनिया के नंबर 1 पेस गेंदबाज रह चुके हैं। उनके अलावा मैं चुनूंगा नवदीप सैनी और हसारंगा को, क्योंकि अगर हमें बड़े प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली और शिखर धवन को चुनना है तो हमें क्रेडिट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कम क्रेडिट पॉइंट वाले प्लेयर्स को चुनना ही पड़ेगा। बैटमैन में मैं श्रीलंका के फर्नांडो को भी चुनूंगा, क्योंकि ये बाउंड्रीज से हमें अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं। अब आते हैं विकेट कीपिंग ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहले मैं चुनूंगा कुशल परेरा को, क्योंकि ये एक रेगुलर स्कोरर हैं, और इसके बाद हम चुनेंगे ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत हमें कैच और बाउंड्री से अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी ड्रीम 11 की टीम। इस टीम का कैप्टन मैं चुनूंगा विराट कोहली को और वाइस कैप्टन मैं चुनूंगा बुमराह को। बुमराह को हम वाइस कैप्टन इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि विकेट के अच्छे पॉइंट हमें मिल जाते हैं, और बुमराह को अगर हम वाइस कैप्टन चुनते हैं तो हमारे पॉइंट बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी ड्रीम 11 की टीम। इस पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। क्रिकेट से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज और इनसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।